अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आप न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनको नहीं पता कि हैंडओवर्स कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, ठीक है, स्लाइड्स कैसे डाउनलोड की जाती हैं और किसी भी हैंडओवर्स किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से उन्होंने मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद उन्होंने वीडियो जो है लेक्चर जो है वो कैसे देखना है, तो ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं कि वीडियो लेक्चर जो है वो अब कैसे पता चलेगा कि कितने लेक्चर हो गए हैं और आपने वो वीडियो जो है आपको कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे ये देखें, वन लिखा हुआ है, इट्स मीन कि इस सब्जेक्ट का एक लेक्चर जो है वो हो गया है व्यू की तरफ से। ये सेकंड सब्जेक्ट है, इसका भी एक लेक्चर जो है ये हो गया है। यहाँ पे जितने नंबर लिखे होंगे इट्स मीन कि आपके उतने लेक्चर जो है उस सब्जेक्ट के वो हो गए हैं। अब आपने देखनी है वीडियो, वीडियो आपने कैसे देखनी है, इस नंबर के ऊपर आपने क्लिक करना है। वन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी वो वीडियो जो आपका लेक्चर होगा। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। जब तक वीडियो आती है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। लेक्चर आ गया है, ये है आपका लेसन वन लेक्चर वन, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक ओपन करें और अपना लेक्चर सुनें और उसके बाद आप जो है इस लेक्चर के रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के नीचे ये एमडीबी पार्ट जो है पोर्शन जो है वो दिया गया है, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिखे टाइप करें, क्वेश्चन लिखे और मैसेज कर दें तो आपको रिप्लाई जो है वो सर की तरफ से मिल जाएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपने हैंड आउट इसकी, अगर आप हैंड आउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं। हैंड आउट्स के लिए जहाँ पे वो सब्जेक्ट का नेम लिखा है ये वाला, ठीक है, ये बॉर्डर पे आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इधर लेफ़्ट साइड पे इस सब्जेक्ट के हवाले से ईच एंड एवरी थिंग है, ठीक है, कोर्स की इंफॉर्मेशन, उसके लेसन, ये लेसन सारे लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्स इंफॉर्मेशन, फैक्स, ग्लॉसरी, बुक्स, इस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी रेकमेंड बुक्स हैं वो भी यहाँ पे बताई गई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ रेकमेंड बुक्स, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर रेकमेंड बुक्स दी गई है, अगर आप इनको भी साथ रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं वहाँ से, गूगल से आप इसको डाउनलोड कर लें। और उसके बाद क्या है हमारे पास, डाउनलोड फाइल्स, फाइल्स आपने कैसे डाउनलोड करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ, हाउ टू डाउनलोड फाइल्स, ये आ गया फाइल्स। ये देखें यहाँ पे आपकी फाइल्स होंगी जो भी आपको इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड की हैं, तो उनको आप कहाँ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इधर करेंगे सैरो पे तो आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेक्चर्स की ये जो सब्जेक्ट मैंने ओपन किया उसकी प्रेजेंटेशंस यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे हैंडआउट्स भी कहीं गिवन होंगे, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। लेक्चर हैंडआउट्स ये देखें, ये आगे हैंडआउट्स 1 to 45, तो ठीक है, जो यहाँ पे गिवन होगा जो सर ने आपको प्रोवाइड किया होगा उसका कुछ ना कुछ मकसद होगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने हैंडआउट्स या फिर स्लाइड्स जो भी आप डाउनलोड करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे आपने एरो पे क्लिक करना है तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम बैक चलते हैं अपने, तो उम्मीद है आप क्लियर होगा हो गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको किसी सब्जेक्ट के हैंडआउट्स नहीं मिलते तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे गूगल पे लिख के भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिखती हूँ CS 101 हैंडआउट्स PDF, यहाँ पे आप ये लिख के भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखें इस पर क्लिक करें, ये हैंडआउट्स आपके पास ओपन होंगे, ठीक है। ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एरो का साइन होगा, ठीक है, उससे आप डाउनलोड कर लेंगे।
उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप हैंड आउट्स आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है, और किस तरह से आपने वीडियो लेक्चर जो है वो देखने हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएँ।